पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। धर्मांधन का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, उमरा जो है ना वो सेकुलरिज्म का एक्चुअली एक मिसाल है, एग्जांपल है, जहाँ पर लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। 400 लोगों का नाम लेके ऐसे उमरा के लोग जो है वो बदनाम नहीं कर सकते। अभी जब इलेक्शन आने वाले होते ना तो आपके ऐसे वारदात बहुत मिलेगी। हिंदू की लड़कियों को लेकर आना है, कैसे उनको धर्मांतरण करवाना है, क्या हमको यही काम रह गया है? क्योंकि उमरा बंद रखने से क्या फायदा होगा आप बताओ? क्या गाजियाबाद के जो सीनियर पे आए वो उमरा के सबको सॉरी बोलने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी रिसेंटली एक मामला चल रहा था, गाजियाबाद के जो सीनियर भी आए हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है जो मुझे लगता है कि मुमरा को फिर से एक जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और हमारे ही ऐसे जो होते माइनॉरिटीज़ के जो इलाके होते हैं इनको जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये एक सवाल उठाना चाहूँगी इस बात पर कि एक सीनियर भी आए जिसने ये स्टेटमेंट दिया कि मुमरा से 400 लोगों का जो है वो धर्मांतरण हुआ, ठीक है। कल को मैं अगर बोल दूं किसी ऐसी नॉर्मली डिस्कशन में या कहीं पे बोल दिया, उनको एक रिकॉर्डिंग मिल गया, कल को मैंने बोल दिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम है, तो क्या तुम उसको रिलीज कर दोगे? क्या तुम उसको बता दोगे और उसको बोलोगे कि हाँ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है? देखिए आपको ये सोचना चाहिए था कि आप एक सीनियर पीआई है, ठीक है, आपकी आपने ये स्टेटमेंट देखिए, आपने जो अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन खुद रेस किया है, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए था करने से पहले। तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि ना कैसा है ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांधन का, और मुमरा एक ऐसा इलाका है, अगर आप रेती बंदर से घुसोगे तो जो पंजाब का मुमरा नंबर जो दो नंबर का बोला जाए, दो नंबर बोलते हैं मुमरा दो, वहां से स्टार्ट करेंगे तो गुरुद्वारा, आगे हमारे पास जो है मुम्बा देवी मंदिर है, फिर आगे मस्जिद है, जैन मंदिर है। तो हमारे पास जो ये मुमरा जो है ना वो सेकुलरिज्म का एक्चुअली एक मिसाल है, एग्जांपल है, जहाँ पर लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं। और आप ऐसी जगहों पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए हमारे हिसाब से। और ऑनलाइन गेमिंग का जो मामला सामने आया है, इसमें शहनवाज का नाम सामने आया है, पूरा परिवार जो है शहनवाज से बाहर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक पुलिस को मिला होगा उसके आधार पर ही। देखिए अगर वो किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं ना आप, जिससे शाहनवाज, आप 400 लोगों का नाम लेके ऐसे मुमरा के लोगों जो है वो बदनाम नहीं कर सकते। और अभी जो है वो चुनाव आने वाला है, हाँ। तो ये बीजेपी का वोट जिहाद है, हाँ। बीजेपी वोट जिहाद करना चाह रही है, किस तरीके से वोट बांटा जाए, कम्यूनल किया जाए, तो इसमें किसी को भी स्केप वोट मतलब बड़ी का बकरा बना के मामले को, इसलिए वो भाग रहा होगा कि बहुत अच्छा बलि का बकरा बनाया जा रहा हो, या उनको खुद का ट्रैप होगा, क्योंकि ये लोग हमको नाम देते हैं ना कि ये लव ट्रैप को लव जिहाद नाम देते हैं, और पता नहीं किस तरीके के जिहाद से हमको जोड़ देते हैं। तो इनको क्या लगता है कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, इसमें आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको पता है भाई सरकार किसकी चल रही है, और आने वाले दिनों में अभी 24 में किसका इलेक्शन आने वाला है, ये तो कॉमन सी बात है कि जहां पर भी अभी जब इलेक्शन आने वाले होते ना तो आपके ऐसी वारदात बहुत मिलेगी, ये सोचने वाली बात है, ये पहले भी हो चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को, किसी एक शहर को अगर ऐसा पॉइंट आउट करेंगे तो वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। तो इसीलिए तो वही ना, कल को मैं किसी को बोल दूं कह रहे हमारा प्रधानमंत्री मेरे को मिली है इन्फॉर्मेशन मुस्लिम है, तो आप क्या कर लोगे फिर? तो आप सोचने वाली बात है कि एक सीनियर पीआई को किसी के सामने स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए इस चीज के लिए। और मुमरा एक ऐसा इलाका है, आपको क्या लगता है मतलब मुसलमान है तो मुसलमानों को क्या मतलब मदरसे और मस्जिदों में इसीलिए भेजा जाता है क्या कि वहां पर क्या आपको कैसे साजिश करनी है, आपको कैसे मुसलमानों की लड़कियों हिंदू की लड़कियों को लेकर आना है, कैसे उनको धर्मांतरण करवाना है, क्या हमको यही काम रह गया है? अरे हम भी पढ़ते लिखते हैं, हम लोग को ये सब चीजें नहीं, बल्कि आप रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखोगे ना बांद्रा कोर्ट में हर 2-3 महीने में 3-4 महीने में मुमरा से लड़कियां जो है वो जा रही है। अभी बीच में कितने केसेस आए थे,
जो मुस्लिम लड़कियां जो है वो दूसरे धर्मों में जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाद दूंगी और सराहना करूंगी ऐसे ग्रुप की, और पर्सनली हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है और हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है कि ऐसी बच्चियों को हम लोगों ने समझा बुझा के जो है वो वापस से अपने धर्म में रहने के लिए, और उनको समझाया कि ये किस तरीके से गलत हो सकता है। तो ऐसी चीजें भी हुई। अगर आप देखो वेबसाइट आपको किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, आपको पहले कंक्लूजन पहुंचने से पहले ये से, हाँ स्टेटमेंट ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने उसकी पुष्टि नहीं की, अगर पुष्टि नहीं की तो आपको बोलने की जरूरत, क्योंकि ये धर्म का मामला एक ऐसा हो जाता है ना कि आप एक बार बोलते ना एक चिंगारी छोड़ने की जरूरत है वो आँख अपने आप लग जाती है। तो आपको धर्म के मामले में स्पेशली कोई भी अधिकारी को बोलने से पहले इस तरीके की सोचना चाहिए। तो ये चीज और मैं कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, ये जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है दारुल फलाह के बाद, जो इसका भी बहुत चर्चा चल रही है। देखिए मैं कहती हूँ कि ना हर रिलीजन को जो है वो आजादी है अपने मजहब को बताने की, ठीक है, चाहे वो लिख कर पढ़ कर अनाउंसमेंट करके या किसी भी तरीके से। तो उन्होंने वहां पर लगा क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं तो वो लगाने की जरूरत आन पड़ी। आप कुरान शरीफ पढ़िए ना, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी बितानी है। अगर आप वो कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीजों की। और अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया भी है, मैं आपको बता दूं इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इंसान अगर अपनी समझ से लेता है तो वो अगर चाहता है धर्म में आना तो बिल्कुल आ सकता है। हमारे इस्लाम में यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक्य मुझे याद है, वहां पर उन्होंने कहा था कि आपने अपने माँ बाप से परमिशन ली, आपने इनसे परमिशन लिया, आपने उनसे पूछा। तो हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें है, आप बोल नहीं सकते ऐसे मतलब कि जोर जबरदस्ती, हमारे इस्लाम में जोर जबरदस्ती है ही नहीं। तो ये आप किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, बस ये हम लोग इसकी जो है वो कड़ी निंदा करते हैं। और इस अगर मैं, और हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के स्थानीय एमएलए ने ये कहा है कि अगर ऐसे इसके बारे में अगर कोई पुष्टि नहीं की गई या कोई मामला सामने नहीं आया तो 1 जुलाई को जो है हम लोग मुमरा बंद रखेंगे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि मुमरा बंद रखने से क्या फायदा होगा आप बताओ? क्या गाजियाबाद के जो सीनियर पे आए वो उमरा के सबको सॉरी बोलने वाले हैं या माफी मांगने वाले हैं? आप जो है वो ऑफिशियली काम कीजिए ना, आप में आगे डीआईजी आईजी है सीएम है सबके पास जाइए और उनसे बात कीजिए कि हमारे शहर को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जो आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो आप इस तरीके की बात कीजिए, आप बंद करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? वही पब्लिसिटी स्टैंड। अरे मेहरबानी करो, कुछ ऑफिशियल काम तो करो, कुछ टेन्योर का, तुम्हारे टेन्योर का एक साल बाकी है, कुछ तो अच्छा काम करो। तो बस यही कहना है। मुस्लिम लीग पार्टी जिससे आप कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक को कानूनी तौर पर काम करना चाहिए, जी जी, तो मुस्लिम लीग पार्टी इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है? कानूनी कार्रवाई जो है, हमने स्थानीय विधायक जो है उनको हमने यही हम लोग बोलना था कि आप जो आप क्योंकि यहाँ विधायक हो, आपके शहर की बात है तो आप बोल सकते कि भाई आप मुस्लिम स्तर जो चलने वाला आगे आप उससे आगे बात कर सकते हो। हम लोग भी अपनी तरफ से आईजी डीआईजी को लेटर लिखेंगे, वो तो हमारा काम हम वो करते ही है, लेकिन एक विधायक जब वो चीजें उठाता है तो उस चीजों को संज्ञान जल्दी लिया जाता है। यूपी सरकार या महाराष्ट्र सरकार के पास आपने, हम तो हमारे सीएम को बोलेंगे, अब वो सीएम देखे आगे क्या करना है। इस 400 धर्मांतर की जांच के लिए एनआईए को भी इसकी जांच की जिम्मेदारी दी है, उसको लेकर क्या है? आप किसी को भी दे दो जांच के लिए, 4 लोग भी दिए अपने, एक लोग भी नहीं मिलने वाला कि जिसको फोर्सफुली ट्रैप करके किया। अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है, वसई का जो है एक मामला धर्म परिवर्तन का आयोजन भी वायरल हो रही है, उसमें एक लड़की बता भी रही है किसी से मदरसी गुहार लगा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? मैं एग्जांपल देती, केरला स्टोरी सबने देखा है, केरला स्टोरी का जब चल रहा था कितने हजार लोगों के बारे में बात हुई थी? 32,000। और मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखी थी कि अगर वो 32,000 का डॉक्यूमेंट किसी ने लाके यहाँ जमा कर दिया तो 1 करोड़ का इनाम देंगे मुस्लिम लीग उसको। वो टेबल वो डेस्क सुबह से लेकर शाम तक खाली थी। तो इस तरीके के वायरल होते रहेंगे वीडियो, इस तरीके की चीजें आती रहेगी सामने जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं होंगे। तो मेहरबानी करें इस चीज को जो है ना इस ट्रैप से बचने की कोशिश करें और अपने आप को जो है ना अपने स्टेट को अच्छा रिप्रेजेंट करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी जैसे एमएलए एमपीज हो गए इन चीज को इस सब चीजों के लिए जो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो